अल्लाह के नाम से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं उठा हूँ और मैं अभी अपना टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, 3-4 टेस्ट करवा रहा हूँ। थोड़ी सी तबीयत सुस्ती सुस्ती लग रही है, मैंने कहा देखूँ ज़रा। जी जनाब, अभी हम मैं टेस्ट करवा के हूँ, आपने देखा है। और अभी रिपोर्ट वगैरह रात 9 बजे मिलेगी, आपके साथ शेयर भी करूँगा अगर कर सका। और दूसरा ये कि अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अभी ये बच्चा मुझे बार बार घोड़ा घोड़ा कह रहा है। क्या घोड़ा? जी जनाब, रिपोर्ट आ चुकी है, मैं बीच में लेट गया था। अब रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ आपको। रिपोर्ट जो है वो जो है टाइफाइड जो है वो एक तरफ पॉजिटिव आया, एक तरफ नेगेटिव आया। एक तो इसमें दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको हो रहा है तो अभी से इसको कंट्रोल कर लें, यानी कि दवाई शवाई खाएँ। जो फिर अब देखें, हम शुरू करता हूँ दवाई, लेकिन ये है कि खाली इससे जो है पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो ब्लड कल्चर जो है ना टेस्ट वो बेस्ट होता है, वो करवाऊँगा। और दूसरा शुगर का करवाया था, शुगर मैंने रात को बिस्किट खाए थे, उस वजह से शुगर थोड़ी सी ज़्यादा आ रही, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अब थोड़ा सा चिकनाई वाली चीज़ों पे कंट्रोल करूँगा, क्योंकि ईद वगैरह आई थी, बीजे आम वगैरह खाए, चिकन वगैरह या चिकन मटन बीफ ये सब खाया, तो उस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया था। अब थोड़ा सा कंट्रोल करूँगा, लेकिन अब मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा दोबारा, वो ब्लड कल्चर करवाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इस पर जो टेंशन वाली बात है। अल्लाह पाक शफा दे, सबको बचा के रखे। और जो है ब्लड कल्चर होता है ये टाइफाइड का, इस पर 100% पता चलता है कि कब से है, पुराना है, नया है, क्या है। तो इसलिए जब भी आप लोग भी करवाएं तो ब्लड कल्चर करवाएं। तो बाकी जो होते हैं रिडार क्रोल, यानी कि ये जितने भी इसके होते हैं टाइफाइड के, रिडार भी होता है, फिर जो है इस तरह के एक दो और भी है, वो रेट उसके कम होते हैं। कल्चर 200-300 रुपये महंगा होता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट 4 दिन बाद आती है। बाकी जो आप करवाते हैं टाइफाइड के जो टेस्ट करवाते हैं, वो 2 दिन सुबह देते हैं, शाम को मिल जाता है। जैसे अभी मैंने सुबह टेस्ट करवाया था, 2 बजे मिल गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको शफा अता फरमाए, बेदुआ करें, अल्लाह ताला सेहत दे, और अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की और दौलत अता फरमाए। आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, और मुझे इजाज़त दें, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, अल्लाह आपको भी सेहत अता फरमाए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।